हेलो फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में हम देख रहे हैं चैप्टर फोर का पार्ट टू और इसमें हम पढ़ रहे हैं रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग इन डेटा स्ट्रक्चर हम पार्ट वन में रिकर्शन के बारे में समझ चुके हैं रिकर्शन को हमने सी लैंग्वेज के प्रोस्पेक्ट से भी रिवाइज कर लिया है पार्ट वन में तो यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पहले उसको जरूर देख लें आज हम इसके कंटिन्यूशन में ही लेक्चर देखेंगे रिकर्शन क्या होता है कोई भी फंक्शन जब ख़ुद को कॉल करता है तो हम उसे रिकर्शन कहते हैं और रिकर्शन के कई सारे एप्लीकेशंस हम लोग को देखने होंगे जैसे बहुत ही फेमस ये सारे जो क्वेश्चन और ये सारे टॉपिक्स में बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ते हैं तो आप कई तर, इस तरह के प्रोग्राम्स भी देखते हैं और यकीन मानिए जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये कंपनीज़ कैंपस में इंटरव्यू के दौरान आपसे डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत बातें करती हैं यानी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि किसी स्टूडेंट का डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो उसकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी होगी उसके लॉजिक्स अच्छे होंगे तो कई तरह की एप्लीकेशन हम देखेंगे रिकर्शन बेस्ड बैक ट्रैकिंग बेस्ड जैसे फिबोनी की सीरीज का फिबोनी की सीरीज़ के एन नंबर्स को प्रिंट कराने का प्रोग्राम अगर हमें रिकर्सिव स्टाइल में बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे या फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लूप से भी बना सकते हैं और हम रिकर्शन से भी बना सकते हैं ये तो बड़े सिंपल से दो प्रोग्राम्स हुए लेकिन हम आगे चल के डेटा स्ट्रक्चर में आगे ही हमारे एक चैप्टर्स आएंगे सॉर्टिंग से रिलेटेड तो आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने उसमें एरे में एरे टॉपिक में सॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स बनाए होंगे तो डेटा स्ट्रक्चर में कई सारी टेक्निक्स का डिस्कशन किया गया है कि सॉर्टिंग किस किस तरीके से होती है सॉर्टिंग यानी नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो कई सारे नेम बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं लॉजिक्स हैं नंबर्स को सॉर्ट करने के तो उसमें से एक है मर्ज सॉर्ट एक है क्विक सॉर्ट जो रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग पर बेस्ड है तो इनको हम लोग देखने वाले हैं लेकिन डेफिनेटली ये सॉर्टिंग चैप्टर के समय हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल को इसके अलावा बाइनरी सर्च हम जब ट्री पढ़ेंगे तो हम ट्री ट्रैवर्सल की भी बात करेंगे हम ट्री में भी सर्चिंग पढ़ेंगे और सिंपली एक एरे के अंदर भी अगर डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में रखा हुआ है तो उसमें हम बाइनरी सर्च लगा के एफिशेंटली बहुत कम समय में डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हम बनाने वाले हैं ये सब रिकर्शन की मदद से बनाने वाले हैं इसके अलावा जब हम ग्राफ टॉपिक पढ़ेंगे तो ग्राफ में एक एल्गोरिथम है डेप्थ फर्स्ट सर्च एक है ब्रेड फर्स्ट सर्च यहाँ पर भी हम लोग बैक uh, ट्रैकिंग और ये रिकर्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके अलावा डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक खास तरह के अप्रोच डायनेमिक प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कंकर ये भी एक खास तरह के अप्रोच है ये दोनों अप्रोचेस के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें भी रिकर्शन का यूज होता है बैक ट्रैकिंग का यूज होता है टार ऑफ हेनोई एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा बैक ट्रैकिंग एलगोरिदन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे तो देखा जाए तो रिकर्शन का बहुत सारा एप्लीकेशन है यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने रखे हुए हैं तो यदि आप वाकई में किसी ए ग्रेड की कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हैं लाइक आप गूगल के लिए अमेजन के लिए एडोब के लिए फेसबुक के लिए ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं कैंपस की तो आपको डेटा स्ट्रक्चर पर बहुत अच्छी कमांड होनी ही चाहिए डेटा स्ट्रक्चर पर आपकी कमांड यानी सक्सेस की गारंटी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स करें इस सीरीज में अब आप डेटा स्ट्रक्चर की ये सीरीज देख रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर थ्योरिटिकली तो लर्न करना है पर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी करें क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रोग्रामिंग लॉजिक बनाना सीखना होगा तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज बाकी और वीडियो से थोड़ी अलग नजर आएगी क्योंकि यहां पर हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा अहमियत देने वाले हैं तो कौन से प्रॉब्लम्स आप नेक्स्ट uh, चैप्टर्स में देखने वाले हैं इसी के जस्ट बाद में जो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं उसमें आप देखने वाले आइए उनको डिस्कस करते हैं बैक uh, ट्रैकिंग क्या होती है बैक ट्रैकिंग इज अ मैथड ऑफ एग्जॉस्टेड सर्च यूजिंग डिवाइड एंड कर तो बैक ट्रैकिंग जो है ना एक मेथड है जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है इसमें हम लोग जो टोटल प्रॉब्लम है उसको डिवाइड करते हैं कई सारी सब प्रॉब्लम्स में और एक एक सब प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं और वापस उसको असेंबल करते हैं कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सारी पॉसिबिलिटीज को सारे ऑप्शंस को ट्राई करना ही बेस्ट अप्रोच नज़र आती है तो ऐसे में बैक ट्रैकिंग करनी होगी तो देखेंगे जब बैक ट्रैकिंग कुछ प्रॉब्लम हम समझेंगे तो हम देखेंगे ये पॉइंट्स का वहां पर क्या मतलब है लेकिन ये मान के चलिए बैक ट्रैकिंग हमेशा स्लो होती है बैक ट्रैकिंग करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव अप्रोच होती है लेकिन कई बार हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं होता इसलिए हम इस चीज़ को चूज करते हाँ तो मैं कह रहा था कि कौन से प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे तो आप इस वीडियो के जस्ट बाद वाले जो वीडियोस देखेंगे इस चैनल में वो होंगे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मैं प्रोग्राम बना के बताऊंगा जैसे टार ऑफ एनोरी का प्रॉब्लम बड़ा ही फेमस प्रॉब्लम है फैक्टोल का प्रोग्राम है ना रिकर्शन से सब रिकर्शन से बनाएंगे फिर की सीरीज का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का मतलब दो नंबर है उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको निकालना है ठीक है मैथमेटिकल प्रॉब्लम है एक स्ट्रिंग आपको दी हुई है उसके सारे परमिटेशन आपको बनाने हैं जैसे ए बी सी एक स्ट्रिंग है तो इसके क्या क्या और परमिटेशन हो सकते हैं ए बी सी है ए सी बी है बी सी ए है बी ए सी ऐसे करके कितने बन सकते हैं वो सारे हमको प्रिंट कराने हैं कोई भी स्ट्रिंग दी जा सकती है इसके अलावा एन बिट्स की एक बाइनरी नंबर है तो एन बिट्स में हम बाइनरी नंबर के सारे परमिटेशन प्रिंट कराना चाहते हैं है तो ना जैसे अगर फोर बिट्स हैं एन की वैल्यू फोर है तो क्या क्या हो सकते हैं सोलह हो सकते हैं जीरो 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 वन जीरो इस तरीके से हमें सबको प्रिंट कराना है ये रिकर्शन से सॉल्व करने है सारी प्रॉब्लम्स अच्छा इसके अलावा थोड़ी सी और एडवांस प्रॉब्लम्स हम एक पावर फंक्शन बनाएंगे ये भी रिकर्सिव नेचर का होगा और ये x पावर y कैलकुलेट करेगा जैसे थ्री पावर माइनस टू नेगेटिव पावर भी हो सकती है पॉजिटिव पावर भी हो सकती है इसके अलावा हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जो कि यूजर ने नंबर सेंटर करे होंगे उसी का रिवर्स प्रिंट कर देगा जैसे मैंने एंटर किया ए बी सी तो वो प्रिंट कर देगा सी बी लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम है टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का बनाना यानी ये फंक्शन ऐसा बनाएंगे जो कोई आर्ग्यूमेंट लेगा नहीं कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो ये शर्त है इसकी राइटर करस ए फंक्शन टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी सिंपल डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसका बाइनरी आपको बनाना है आप पहले ये सारी प्रॉब्लम्स बारी बारी से ट्राई करिए क्योंकि जिस ऑर्डर में मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं इसी ऑर्डर में आपको इसके आगे वीडियोज मिलेंगे और एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा मजा आएगा इसमें तो यदि आपको मेरा आइडिया पसंद आ रहा हो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं ही इसकी जानकारी आपको मिलती रहे और यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत यूजफुल हैं लोगों के काम आने वाले हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए शेयर करने का सबसे सिंपल तरीका है फेसबुक वॉल पे आप लिंक पेस्ट कर दीजिए आप चाहें तो कमेंट्स के जरिए भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हर वीडियो पे कमेंट्स आप दे सकते हैं जो भी आपको पूछना है कहना है वो आप लिख सकते हैं आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पर तो अगले वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्स थैंक यू